बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं सियासी खबरों के साथ। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब के मद्देनजर नंदीग्राम के संग्राम का नतीजा क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी की नामजदगी पर तनाजा शुरू हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया है कि ममता बनर्जी ने अपने परचय नामजदगी में कई मुकदमों की जानकारी नहीं दी है। बीजेपी ने इसकी शिकायत करते हुए ममता बनर्जी का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब का सबसे बड़ा मुकाबला माने जा रहे नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। दोनों ही लीडरान ने नंदीग्राम में एक दूसरे को शिकस्त देने के दावे करते हुए परचय नामजदगी दाखिल किया। लेकिन अब ममता बनर्जी के परचय नामजदगी पर एक तनाजा खड़ा हो गया है और इसकी शिकायत शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन से की है। 10 मार्च को नंदीग्राम से परचय नामजदगी दाखिल करने वाली ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन में मुजरिमाना मामलों की जानकारी को छुपाया है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि ममता बनर्जी के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं। ममता ने अपने परचय नामजदगी में इन मुकदमों का कोई जिक्र नहीं किया है। 2018 में असम में दर्ज 5 मुकदमों की जानकारी नॉमिनेशन में नहीं दी गई। असम के गीतानगर और पान बाजार सहित अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। असम में एनआरसी को लेकर भड़काऊ बयानबाजी के इल्जाम में दर्ज हुए थे मुकदमे। 2008 में सीबीआई की जानिब से कोलकाता में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की जानकारी भी ममता बनर्जी पर छिपाने का इल्जाम है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के हलफनामे को भी आम किया है। माननीय नंदीग्राम से नॉमिनेशन करे छे, हम आज को ऑब्जेक्शन करे छे। 6 मामला आछे दायरीताते, 6 मामला सप्रेस ऑफ फैक्ट। 18 साले 5 आसामे मामला होइछिलो दायनी, আর একটা সিবিআই এর কাছে মামলা পেন্ডিং আছে সেটা দেয়নি। আমি আজকে কমপ্লেইন করেছি। ममता के परचय नामजदगी में मुकदमे की जानकारी छिपाने की शिकायत करने के लिए बीजेपी लीडरान ने रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात भी की। बीजेपी लीडरान ने इस बात की शिकायत भी की है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी बात नहीं सुनी। देखिए, उनका जो शपथ पत्र है उसमें सरासर छिपाने की कोशिश हुई है। कोशिश क्या छिपाया गया है, उनके खिलाफ 6 मामलाएं हैं। तो जो शपथ पत्र में किसी का वर्णन नहीं है, नील लिखा हुआ है। हमने उसी टाइम वहीं पे आरओ के सामने हमने चिट्ठी दिया था कि ये गलत शपथ पत्र है और यदि वो गलत है तो उनका जो नामांकन है वो रद्द हो। बंगाल बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर से ममता का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि उम्मीदवार को अपने ऊपर दर्ज सभी मुकदमों की जानकारी देना लाजमी है। अगर उम्मीदवार इसमें फेल होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। फिलहाल शिकायत पर फैसला होना अभी बाकी है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराने का दावा किया है, तो वहीं ममता बनर्जी भी शुभेंदु अधिकारी को उनके ही गढ़ में शिकस्त देने का दावा कर रही हैं। लेकिन इस बीच परचय नामजदगी पर तनाजे से नंदीग्राम के संग्राम में नया मोड़ आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।